हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ 40 क्वेश्चंस को जो कि होंगे पेडागॉजी सेक्शन के, जो 23 दिसंबर को टीजीटी का एग्जाम हुआ है, केवीएस टीजीटी का। उसके कुछ 40 क्वेश्चंस हैं, एक मोस्ट एक्यूरेट आंसर की आपको यहां से मिलेगी, फिर भी 1% का वेरिएशन फाइनल आंसर की के साथ देखने को मिल सकता है। स्टार्ट करेंगे, देखेंगे इन 40 क्वेश्चंस के आंसर्स को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो। कुछ क्वालिटेटिव वीडियोज हम टीचिंग एग्जाम्स के लिए यहाँ पर करते रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन सीसीई इज, मतलब जो आपका कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, जिसको सीबीएसई ने लागू किया 2009 में, तो ये बेसिकली इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ले एम्फेसिस ऑन थॉट प्रोसेस एंड डी एम्फेसाइज मेमोराइजेशन। तो जो रट्टा है या कहें तो स्मरण की शक्ति है, उस पर कम बल दिया जाए और प्रक्रिया पर या कहें तो जो थॉट प्रोसेस है उसको बेहतर करने पर ध्यान दिया जाए, बेसिकली होलिस्टिक रूप से बच्चे का डेवलपमेंट हो, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टूडेंट्स विद लो सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी एट्रीब्यूट देयर पुअर परफॉर्मेंस टू, मतलब कि स्व क्षमता की कम समझ रखने वाले छात्र अपने खराब प्रदर्शन का कारण किसे बताते हैं? तो लैक ऑफ एफर्ट को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर स्पेशल एजुकेशन आर रेगुलेटेड बाय, जो विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षण कोर्स हैं उनको कौन रेगुलेट करता है? तो ये एनसीटीई होना चाहिए। इसका आंसर रिहैबिलिटेशन काउंसिल भी हो सकता है, तो फाइनल आंसर के लिए वेट कर सकते हैं, बाकी मोस्ट प्रोबेबली एनसीटीई इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, When a teacher sets a task that is above the student's current ability level, she is likely to. Basically, जब एक जो टीचर है, एक अध्यापक है, कोई ऐसा कार्य देता है जो छात्र के वर्तमान क्षमता स्तर से ऊपर का हो, तो यहाँ पर आंसर होगा generate interest and motivation among children. बच्चों में वो इंटरेस्ट को और मोटिवेशन को डेवलप करना चाहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट सैटेलाइट फॉर सर्विंग द एजुकेशन सेक्टर इज, बेसिकली पहली शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए पहला उपग्रह है, तो ये एडुसेट है और इसको जो आपका श्रीहरिकोटा है वहां से 2004 में पहली बार लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, अ चाइल्ड विद विजुअल इंपेयरमेंट मैक्सिमाइजेस लर्निंग विद द हेल्प ऑफ, मतलब दृष्टिबाधित बालक किसकी सहायता से अधिकाधिक सीख सकता है? तो टैक्टाइल इनपुट्स यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए, बाकी ऑडिटरी सिस्टम और लर्निंग एड दोनों को इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन हम जाएंगे टैक्टाइल के साथ, बाकी फाइनल आंसर की का वेट करेंगे, एक दो क्वेश्चन में डाउट है ही। नेक्स्ट है, द मेन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ द टेक्स्ट बुक इज, मतलब कि पाठ्य पुस्तकों के पक्ष में मुख्य तर्क क्या दिया जा सकता है? तो यहाँ पर सी इसका सही आंसर होगा, टेक्स्ट बुक्स असर्टेन अ मिनिमम ऑफ ऑथेंटिक कंटेंट टू बी कवर्ड बाय द लर्नर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इन अ सिलेक्शन टेस्ट पास आउट्स ऑफ डिफरेंट बोर्ड्स आर कंप्यूटिंग, व्हाट इज द बेस्ट टेक्निक टू इंटरप्रेट देयर स्कोर्स ऑन अचीवमेंट। बेसिकली एक चयन परीक्षा में विभिन्न बोर्डों के पास आउट छात्र हैं जिनके कंपेरिजन करना है, कौन सा टेस्ट होगा? तो टी स्कोर होगा, कंपेरिजन के लिए काम में लिया जाता है, एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, जी स्कोर भी इसके साथ में यूज होता है। नेक्स्ट है 119, अ टीचर मेक्स अ कॉन्शियस एफर्ट टू बिहेव इन एन एक्सेप्टेबल मैनर विद द एक्सपेक्टेशन दैट द स्टूडेंट्स विल रेस्पॉन्ड सिमिलरली, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स टीचर्स बिहेवियर। मतलब एक अध्यापक इस आशा से ऐसे स्वीकार कार्य करता है कि जो बच्चे भी उसको फॉलो कर सकें, तो मॉडलिंग का इस्तेमाल कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, स्पीयरमैन्स थियरी ऑफ इंटेलिजेंस इज टू थॉर्नडाइक्स एज, जो स्पीयरमैन की आपकी स्पेसिफिक और जनरल फैक्टर वाली थियरी है, थॉर्नडाइक के SCA से सोशल कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस से कैसे डिफरेंट है? तो इन्होंने बात की इनेट की और थॉर्नडाइक ने बात की है एक्वायर्ड की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, अ यूनिट ऑफ टीचिंग कैन हैव, शिक्षण की इकाई में क्या होगा? तो ओनली वन चैप्टर वन कॉन्सेप्ट, सेवरल कॉन्सेप्ट या वन चैप्टर विद वन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट एक रहता है, चैप्टर मैनी हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, एन इंडिजीनियस टीचिंग एड इज नॉट, एक देसी शिक्षण सहायक सामग्री कैसी नहीं होती? तो मेड ऑफ मटेरियल फ्रॉम फार अवे, देसी की बात कर रहे हैं तो हम लोकेलिटी की बात कर रहे हैं, जो आसपास आसानी से अवेलेबल हो, अगर उसको इंपोर्ट करके बनाया जाएगा तो वो देसी बचेगी नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, इन ऑर्डर टू बी ऑफ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस द रीइन्फोर्समेंट ऑफ अ गिवन रिस्पॉन्स मस्ट, मतलब अधिकतम प्रभाविता के लिए यह आवश्यक है कि अनुक्रिया का पुनर्बलन, तो ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि जो आपका रीइन्फोर्समेंट है वो तुरंत मिलना चाहिए, फॉलो इमीडिएट अपॉन द रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के जस्ट बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन 124, इफ अ स्टूडेंट इन योर क्लास इज कंफर्टेबल यूजिंग हिज हर लेफ्ट हैंड, व्हाट वुड यू डू एज अ टीचर। तो ये भी एक बार हमने डिस्कस किया हुआ है कि बच्चा यदि अपने बाएं हाथ से लिखना चाहता है तो आप एज अ टीचर क्या करेंगे? तो बिल्कुल उसको अलाउ करेंगे, जैसे वो चाहे वैसे लिख सकता है, बस होगा ये अगर वो लेफ्ट हैंड से लिख रहा है तो राइट ब्रेन उसका इस्तेमाल होगा, राइट से लिखता है तो लेफ्ट इस्तेमाल होगा। तो ये एक बात हुई। नेक्स्ट है 125,
द लॉ ऑफ इफेक्ट इम्प्लाइज, मतलब जो आपका थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम है किस चीज को इम्प्लाई करता है, अर्थ क्या है इसका, तो बिल्कुल लर्निंग और नॉन लर्निंग ऑफ आर रिस्पॉन्स इज रिलेटेड टू द सेटिस्फेक्शन इट प्रोवाइड्स। ये हमने कल ही डिस्कस किया था कि भाई जो आपका लर्निंग किसी चीज को सीखना और ना सीखना इस बात पर डिपेंड करेगा कि सेटिस्फेक्शन कैसा मिल रहा है आपको उस चीज से। नेक्स्ट है 126, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बचपन में ही विकार आ जाते हैं आपके, न्यूरोलॉजिकल और फिजिकल दोनों हो सकते हैं, तो डिसलेक्सिया यहाँ पर सही आंसर होगा क्योंकि एक लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, कंबाइनिंग कंप्यूटिंग टेलीकम्युनिकेशन मीडिया इन अ डिजिटल एटमॉस्फियर इज रेफर्ड टू एज, तो इंटीग्रेटेड मीडिया कहलाता है ये। नेक्स्ट है 128, adjusting assessments, materials, curriculum or classroom environment to accommodate a student's need so that he she can participate and achieve the teaching learning goals is known as, तो यहाँ पर होगा individualized education program IEP, व्यक्तिक भिन्नताओं के हिसाब से इसको प्लान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the greatest obstacle in inclusion, समावेशन में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है, तो समावेशन की सबसे बड़ी बाधा है social barriers, क्योंकि समाज बच्चे को विकलांग बना देता है, वो होता नहीं है, वो डिफरेंटली एबल्ड है, आपको अपने तरीके बदलने की जरूरत है ना कि बच्चे को बदलने की जरूरत है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हुआ। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ क्राइटेरियन वाइल डिजाइनिंग करिकुलम, पाठ्यक्रम को बनाते समय कौन सा एक मानदंड नहीं होना चाहिए, तो एजुकेशनल लेवल ऑफ पेरेंट्स के, अभिभावकों का क्या शैक्षणिक स्तर है, इस चीज को ध्यान में रख के करिकुलम नहीं बनाया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, इन विच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलर अप्रोचेस The learner enjoys maximum autonomy, मतलब पाठ्यचर्या उपागमों में से किस उपागम में शिक्षार्थी को अधिकतम स्वतंत्रता मिलती है, मतलब सबसे ज्यादा फ्री कब फील करेगा बच्चा, तो एक्सपीरियंस सेंटर्ड अप्रोच, मतलब कि जब अनुभव केंद्रित उपागम है, अनुभव में एक्टिविटी और सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट है 132, द सेंट्रल आइडिया इज इन कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज ऑफ लर्निंग इज, बेसिकली अधिगम की रचनावादी दृष्टि से केंद्रीय विचार क्या है, तो यहाँ पर लर्नर आर एक्टिव इन कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन नॉलेज, बिल्कुल यही एक मेन इसका अर्थ भी है कंस्ट्रक्टिविज्म का। दूसरा है, प्रायर नॉलेज एंड बिलीफ्स ऑफ स्टूडेंट्स आर की इनपुट्स, टीचर्स हैव डीप कंसेप्चुअल नॉलेज और सोशल इंटरेक्शंस, तो ये सी को हटा करके ए बी डी या फर्स्ट थर्ड और फोर्थ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, व्हेन अ स्टूडेंट कैन करेक्टली कैटेगराइज अ जियोमेट्रिकल शेप शी ही डिमॉन्स्ट्रेट, मतलब एक ज्यामितीय आकार को अगर कोई बच्चा सही तरीके से पहचान लेता है तो एक कंडीशनल नॉलेज है उसकी, परिस्थितीय ज्ञान है। नेक्स्ट है 134, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज हैज मैक्सिमम स्कोप ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, सामाजिक विकास के लिए सबसे ज्यादा बेहतर संसाधन कौन सा है, तो आपकी कम्युनिटी से अच्छा कुछ भी नहीं है अगर आपको सोशल डेवलपमेंट कराना है तो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बींग नीड्स इन मैस्लोज 1970 हायरार्की ऑफ नीड्स, मतलब मैस्लो के 1970 के मॉडल के हिसाब से अस्तित्व हेतु आवश्यकता कौन सी है, तो मैस्लो के जो 1970 का मॉडल है उसमें कुछ 7 आवश्यकताएं हैं जिसमें कॉग्निटिव नीड्स और एस्थेटिक नीड्स हैं आपकी, जो बात करेंगे बींग नीड्स के बारे में, तो यहाँ पर आंसर क्या सही होता है, सेकेंड आंसर सही होगा, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट है, द IEDC इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड वॉज फर्स्ट लॉन्च ड्यूरिंग, मतलब जो आपका IEDC है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इन्होंने कहा कि जो नॉन एबल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए हम एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाएंगे, तो ये 1974 में शुरू हुआ था, 1970s इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, लर्निंग बाय डूइंग एंड एक्सपीरियंसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शंस इज, मतलब करके सीखना और अपनी क्रिया के परिणामों का अनुभव करना कहलाता है, तो इसकी बात ब्रूनर ने भी की है, समस्या समाधान नहीं कहेंगे इसको, एनएक्टिव लर्निंग है ये, एनएक्टिव लर्निंग मतलब जब बच्चा टोटली एक्टिव होकर के सीख रहा है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एनकरेज स्टूडेंट्स इंटरेक्शन, बच्चों के इंटरेक्शन को बढ़ावा देने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो लैंग्वेज गेम्स का। नेक्स्ट है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू प्रमोट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को प्रमोट करना है तो कौन सी स्किल बेस्ट रहेगी, एक्टिव लिसनिंग ऑब्वियसली। नेक्स्ट है क्वेश्चन 140, इनसाइट मे बी डिफाइंड एज, मतलब जो आपकी अंतर्दृष्टि है उसको किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, इसको भी हमने कल परसों में ही डिस्कस किया है। इनसाइट मतलब एक सडन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपीरियंस, एकदम से रियलाइजेशन किसी भी सॉल्यूशन का। नेक्स्ट है, स्लैपिंग एंड स्पीकिंग चिल्ड्रन इज नॉट कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर डिसिप्लिनिंग चिल्ड्रन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स वुड यू रिकमेंड एज एन ऑल्टरनेटिव टू हार्श पनिशमेंट, बेसिकली जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है उसका ऑल्टरनेट आप क्या देंगे, टाइम आउट बोल देंगे, विदड्रॉल ऑफ प्रिविलेजेस, मॉडलिंग या क्या, तो अगर आप यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग भी लगाएं या रीइन्फोर्समेंट की बात करें नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट की, तो जो विदड्रॉल ऑफ प्रिविलेजेस है मतलब आपने हटा लिया कुछ जो उसको मिल रहा था, तो इससे क्या होगा,
बिल्कुल लाइन पे आ जाएगा बच्चा, ये कह सकते हैं। तो जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट है 142, सम्मेटिव असेसमेंट इज नॉट यूजुअली यूज्ड फॉर। जो सम्मेटिव असेसमेंट है एस से, उसको किस लिए हम इस्तेमाल नहीं करते? तो रेमेडिएशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि रेमेडी हम बात करते हैं असेसमेंट में, इवेल्यूएशन को ज्यादातर। जो सम्मेटिव असेसमेंट है इवेल्यूएशन का पार्ट है ऑब्वियसली, और ये जो एक चीज है ये इस तरह की चीज है जो ग्रेडिंग के लिए ज्यादा काम में लाते हैं हम। नेक्स्ट है हु इज क्रेडिटेड फॉर गिविंग अ करिकुलर मॉडल। करिकुलर मॉडल मतलब पाठ्यचर्य प्रतिमान किसने दिया है? तो हिल्डा टाबा का, ये काफी फेमस एक करिकुलर मॉडल है 7 स्टेप्स का। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू PWD एक्ट 1995, अ पर्सन विद डिसेबिलिटी इज वन हु सफर्स फ्रॉम नॉट लेस देन -% ऑफ एनी डिसेबिलिटी एज आइडेंटिफाइड बाय अ मेडिकल अथॉरिटी। तो ये 40% डिसेबिलिटी है, 40% जो आपकी निःशक्तता है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये फिर से रिपीट हुआ पेज, क्वेश्चन नंबर 145, द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT हैज नॉट बीन एबल टू गेन मोमेंटम इन इंडियन रूरल स्कूल्स बिकॉज। मतलब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है इंडियन रूरल स्कूल्स के अंदर? तो ये कॉस्टली अफेयर है बिल्कुल, इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए कौन सा बेहतर तरीका हो सकता है? तो कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटोरिंग बहुत अच्छा तरीका है, सहकारी अधिगम और सहयोगी विद्यार्थियों के द्वारा पढ़ाया जाना। नेक्स्ट है 147, पीपल्स बिलीव्स अबाउट देयर कैपेबिलिटीज टू प्रोड्यूस डेजिग्नेटेड लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस दैट एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस ओवर इवेंट्स दैट अफेक्ट देयर लाइव्स आर नोन बाय द टर्म। मतलब लोगों का प्रदर्शन का निर्दिष्ट स्तर उत्पन्न करने की अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना जो उनके जीवन को प्रभावित करने वाली घटनाएं, बेसिकली इसकी बात की है, सेल्फ एफिकेसी है, बेंड्यूरा ने इसकी बात की है, ये भी हमने एक बार डिस्कस किया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वैल्यू जजमेंट्स बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कई वर्षों में आपने एक डेटा तैयार किया जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार के जजमेंट बनाने हैं आपको, तो ये इवैल्यूएशन का पार्ट होगा। असेसमेंट भी इवैल्यूएशन के अंदर आता है, तो ये बात हम जानते ही हैं। तो जब भी बात जजमेंट की आए, क्वांटिटेटिव डेटा की आए, तो इवैल्यूएशन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट है वाइल टीचिंग एज पर अ लेसन प्लान जनरली टीचर्स गिव लीस्ट वेटेज। मतलब पाठ योजना के अनुसार पढ़ाते समय जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, सबसे कम महत्व किसको देते हैं? तो मोटिवेटरी क्वेश्चंस को, प्रेरणात्मक प्रश्न को, बाकी इन सबको तो इंक्लूड करके रखते ही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150 लास्ट, अ चाइल्ड विद इम्पेयरमेंट में एक्सपीरियंस डिसेबिलिटी व्हेन। मतलब एक बाधित बालक निःशक्तता का तब अनुभव करता है जब, मतलब जो एक डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है वो कब परेशानी फील करेगा? तो यहाँ पर ही शी इज रेप्रीमेंडेड फॉर इनकम्प्लीट टास्क, या फिर ही शी इज कॉन्स्टेंटली कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन हु परफॉर्म वेल इन सर्टेन टास्क। बिल्कुल ठीक बात है, जब आप उसकी लगातार तुलना करते रहेंगे कि कुछ और कार्यों में कुछ और बच्चे बहुत अच्छा कर लेते हैं, हो सकता है वो उनमें अच्छा ना करता हो, तो आप कंपेरिजन कर रहे हैं कॉन्स्टेंट, तो वो बच्चे की जो सेल्फ इमेज है उसको भी खराब करेगा। ये थे कुछ 40 क्वेश्चंस TGT के, KVS TGT के। पूरी कोशिश की गई है कि इसको सही तरीके से बनाया जाए, फिर भी कहीं कुछ कमी रह गई हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में अच्छे से बता सकते हैं, या फिर इंतजार कर सकते हैं जो फाइनल आंसर की आएगी KVS की उसका। थैंक यू गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक ना किया हो तो। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस वॉज हिमांशी साइनिंग ऑफ।